Do subscribe to Ikeda channel and press bell icon to get updates about latest engineering, HSE and IIT JEE main and advanced videos. Hello guys, इस वीडियो में हम लोग properties of modulus से related एक और problem solve करेंगे. Previous video में आपने देखा हमने इससे related एक problem solve किया था. इसमें हम एक और problem solve करेंगे जो थोड़ा सा आपको common sense लगाना होगा कि कैसे हम easily उस problem को solve कर सकते हैं. तो आइए देखते हैं. तो क्वेश्चन गिवन है, इफ अल्फा बीटा डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स विद मॉडुलस ऑफ बी इज 1 गिवन है, तो आपको वैल्यू निकालना है बीटा माइनस अल्फा अपॉन अल्फा माइनस 1 माइनस अल्फा बार बीटा का मॉडुलस वैल्यू क्या होगा. तो यहां पे आपको गिवन है मॉड बीटा इक्वल्स टू 1. हम मॉड बीटा को क्या लिख सकते हैं, बीटा इंटू बीटा बार ओके इक्वल्स टू 1. यहां से आर बीटा इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 1 अपॉन बीटा बार. अब हम जिसकी वैल्यू निकालने हैं वो हम लेते हैं मॉड बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा. क्या कर रहे हैं, हम बीटा को रिप्लेस कर देते हैं 1 अपॉन बीटा बार से. ओके सो 1 अपॉन बीटा बार माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा. क्या करते हैं, बीटा बार बाहर निकालते हैं इस कॉन्जुगेट से. तो 1 अपॉन इस मॉडुलस से 1 अपॉन बीटा बार क्या मिलेगा आपको, 1 माइनस अल्फा बीटा बार अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा. ओके सो 1 अपॉन यहाँ पे बीटा बार की बीटा की वैल्यू मॉड बीटा की वैल्यू 1 है, तो मॉड बीटा बार की वैल्यू भी 1 होगी. तो यहाँ से ये 1 हो गया इनटू 1 माइनस अल्फा बीटा बार अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा. अब यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि एक प्रॉपर्टी थी कि मॉडुलस ऑफ जेड सेम होता है मॉडुलस ऑफ जेड बार. तो यहाँ पे मॉडुलस ऑफ जेड बार हम इसका लेते हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, इसका बार लेते हैं तो क्या मिलेगा आपको, 1 माइनस अल्फा बार बीटा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा. अब ये दोनों सेम लिखा हुआ है तो ये कैंसिल हो जाएगा, आपको क्या मिलेगा 1. तो ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा लेकिन आप थोड़ा सा सोचेंगे तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि आपको सिर्फ 2-3 कॉन्सेप्ट यूज करना है. कौन सा, यहाँ पे बीटा आपको बाहर निकालना है और यहाँ पे एक कॉन्जुगेट लेना है, दैट्स इट. तो दो जगह से आपको थोड़ा सा सोचना है, बाकी आपको सिर्फ कैलकुलेशन है. ओके सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. थैंक यू.